हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। आप लोग को लंबे गैप के बाद वीडियो मिल रहा है, कुछ ऐसी व्यस्तता थी, क्या करोगे। आज हम इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन का। निश्चित समाकलन, अभी तक हमने समाकलन कंप्लीट किया अनिश्चित समाकलन, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ निश्चित समाकलन, और कंटिन्यूअस अपन रेगुलर इसको पढ़ के बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। देखिए, यदि आपका समाकलन में अच्छा कमांड है तो निश्चित समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसलिए आपको अभी टाइम भी थोड़ा मिला होगा, आपने बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन को किया होगा। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन यदि आपका प्रॉपर होता है तो निश्चित समाकलन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है निश्चित समाकलन का, क्योंकि निश्चित समाकलन में जो हम पैटर्न पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा। देखिए, योग की सीमा का क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ सम के फार्मूला, सम यूजफुल रिजल्ट्स करें, मैंने यहाँ पर आपको फार्मूला दे रहा हूँ मैं। ये कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिनके योग के फार्मूला का आपको यूज़ होगा, फिर आपको अभी बेसिक में क्लियर करूँगा तो बताऊँगा, बार बार पीछे आके फार्मूला आपको बता दूंगा। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है, सिग्मा एन माइनस वन। सिग्मा एन माइनस वन मतलब एन माइनस वन पदों का यदि हम सिग्मा करें, जिसको हम वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो वन एन माइनस वन तक सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मान होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू, ये इसका वैल्यू होता है। ये आप ध्यान में रखना, क्लियर, ये आपको लर्न करके रखना है, ये फार्मूला आपको याद करना है। सिग्मा एन माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एंड सो वन, यहाँ तक इसका फार्मूला होता है एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। सिग्मा एन माइनस वन का क्यूब का फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये आप याद करोगे, ये जी पी है, ये एक्चुअल में समांतर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और यहाँ पर साइन है साइन ए प्लस एच साइन ए प्लस टू एच से साइन ए प्लस एन माइनस वन एच तक का सम का फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला आपको याद करना है, आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस फार्मूला के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, और ये नेक्स्ट है ये फार्मूला कॉस ए का फार्मूला, क्लियर। तो ये फार्मूला आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, ओके। फार्मूला लर्न करने के बाद मैं जो इसका बेसिक पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, निश्चित समाकलन में का मतलब क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट पुटअप करते हैं। जैसे इस तरह से इसको हम लिखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और यहाँ पर कोई रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब किसी समाकलन में लिमिट लगा हो, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। और निश्चित समाकलन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा। तो योग की सीमा में क्या होता है, उसका बेसिक फंडामेंटल है वो, बाद में हम उसको फंडामेंटल थ्योरम मूलभूत सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में लिमिट ऑफ सम, हालांकि लिमिट ऑफ सम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन इसका आपको बेसिक जानना जरूरी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरा शुरू से मानना है कि आप किसी भी चीज़ को बेसिक को स्ट्रांग करके पढ़िए, आगे चल के फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। यदि आपका बेस मजबूत रहेगा तो आपको बहुत काम आएगा, अदरवाइज क्या होता है कि हम सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बना के सॉल्व करते हैं, वो तो हर कोई आसानी से कर लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ वो योग की सीमा का फार्मूला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो पहला मेथड, जो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है योग की सीमा से। इस मेथड का नाम है योग की सीमा। पहले मैं आपको
हेडिंग से ही बता दूं उसको। फर्स्ट मेथड योग की सीमा। मेथड का हमारा नाम है योग की सीमा, लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम योग की सीमा से किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता दूं, यह फार्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। देखिए, लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अंडर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ ए, ये फार्मूला है ना, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एंड सो वन प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये बार मतलब क्या हो, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट की तरह बिहेव करता है। इसको अपन पढ़ते हैं, एन माइनस वन बार एच, इसका मतलब है एच का एन के साथ भी मल्टीप्लाई है और वन के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो ये लिमिट ऑफ सम का फार्मूला है, ओके, लिमिट ऑफ सम का फार्मूला है। हियर यहाँ पर इस फार्मूला में जहाँ पर एन एच आएगा वहाँ पर आप पुट करोगे बी माइनस ए, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बी यहाँ अपर लिमिट है, ए लोअर लिमिट है, अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो ये है योग की सीमा से इंटीग्रेशन करने का फार्मूला। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि योग की सीमा एक तरह से बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन शुरुआत यहीं से है। कई बार स्टूडेंट्स इवन टीचर्स भी इसको स्किप करके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे क्लास में ऐसा नहीं, आपको बेसिक चीज़ों के साथ ही स्ट्रांग होते हुए चलना है। तो आज का क्लास स्पेशली मैं योग की सीमा पर, और नेक्स्ट क्लास से फिर मैं फंडामेंटल थ्योरम के बेस पर आपको पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, जैसे CBSE में जो CBSE के स्टूडेंट्स होंगे आप में से, उनमें CBSE में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेट बाय द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा के आधार पर समाकलन कीजिए। और रीजनल बोर्ड में भी कई बोर्ड में आते हैं, कई बोर्ड में पूछे जाते हैं, कई बोर्ड में नहीं पूछे जाते, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने इसके पहले फार्मूला का आपको कलेक्शन दिया। तो मैं चार पांच क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, उस क्वेश्चन से आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। उतने क्वेश्चन आप यदि अच्छे से कर लिए तो उस तरह के क्वेश्चन आप बना लोगे, क्लियर। तो ये फार्मूला है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखना कि जहाँ पर एन एच आएगा वहाँ पर हमको क्या करना है, एन एच के जगह में रखना है बी माइनस ए, ओके। तो ये है योग की सीमा लिमिट ऑफ सम से, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसकी सहायता से एक एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं तो आपको अच्छे से ये क्लियर होगा कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं ना। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन इसके लिए लेता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन सब, वैसे इसके सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड ही होते हैं। इवैल्यूएट ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी सॉरी एक्स डी एक्स। ये जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा पहला काम यह है कि आप वहां पर फंक्शन ऑफ एक्स को डिसाइड करो कि हमारे क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स क्या है। तो नेचुरली यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, जो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पर क्या है, वो एक्स है। तो हियर इसके बाद यहां करके लिखो, हियर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ए का वैल्यू तो ए ही है, बी का वैल्यू बी ही है, यहां पर ए बी, जैसे यहां पर टू थ्री ऐसा देता था, ए का वैल्यू टू बी का वैल्यू, और क्वेश्चन उस तरह से बनाऊंगा इस तरह से। अब हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूला में क्या आता है, फंक्शन ऑफ ए आता है, फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच आता है। तो देयर फॉर यहाँ से इस बेस पर हम निकालना चाहें तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए होगा। इसके बाद यदि हम फंक्शन ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पुट अप करेंगे अपन, यहाँ पर पुट अप करोगे एक्स के जगह ए प्लस एच तो उसका वैल्यू ए प्लस एच हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से यदि हम फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच लास्ट टर्म को पुट करें तो क्या मिल जाएगा, एस के जगह में ए प्लस एन माइनस वन एच, क्लियर। तो क्या किया हमने यहाँ पर, सबसे पहले जो फार्मूला में जो वैल्यू हमको ज़रूरत पड़ता है वो पूरे वैल्यू को हमने लिख लिया। अब सिंस चूंकि हमको पता है कि लिमिट ऑफ सम का फार्मूला क्या होता है, देखो लिमिट ऑफ सम का फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ,
सिंस चूंकि ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल, फार्मूला को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, यहां पर अभी जो लिखा था लिमिट एस टेंस टू जीरो एच फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस एंड सो ऑन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हमको पता है। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाला है उस वैल्यू को क्या करेंगे, वहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो दैट इम्प्लाइज ये हमारा क्वेश्चन है ए टू बी, ये एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, तो एच का वैल्यू तो एच ही है, एच तो बाहर में ब्रैकेट के बाहर एच रहेगा, अंडर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ ए, यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ ए क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ये है ए प्लस एच, ए प्लस एच, इस तरह से और लिखता मैं तो फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एंड सो ऑन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ओके ये हमने सबको वैल्यू को पुट अप कर दिया। तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा होता है वो इनका सम फाइंड करना है, उनको योग करना सबसे महत्वपूर्ण काम है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिए, क्वेश्चन को उसे तुलना करके वैल्यूज को पुट अप कर दिए, वैल्यू को पुट अप करने के बाद अब उसका योग करना है। तो यहीं पर जो योग करना है इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला दिया है, ये तो खैर इजी है, तो वहाँ पर आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ये तो यहाँ पर देखो ए ए कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, यहाँ पर आप देखो ये ए है, यहाँ पर ए फिर ए फिर ए फिर ए, इस तरह से एन टाइम्स तक क्या है ए है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन पदों तक, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए को सेपरेट कर लिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, यहां से यदि हम एच को कॉमन करें तो एच कॉमन कर लें तो यहां पर बचेगा वन, यहां पर बचेगा टू प्लस थ्री और प्लस एंड सो ऑन, ये बचेगा एन माइनस वन, क्लियर ये हो जाएगा। दैट इक्वल अब यहां पर वैल्यू को पुट अप करो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच अंडर ब्रैकेट ए प्लस ए का यदि एन पदों तक योग होगा तो क्या हो जाएगा एन इंटू ए, ये हो जाएगा एन इंटू ए एन बार और प्लस एच, यहां पर देखो वन प्लस टू प्लस थ्री का एन माइनस वन पदों तक योग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका फार्मूला दिया, देखो ये वन प्लस टू प्लस थ्री का एन माइनस एन एन माइनस वन अपॉइंट टू होता है, इसीलिए मैंने वहां पर इसका फार्मूला आपको दिया है। ये समांतर श्रेणी है लेकिन आपको वहां पर समांतर श्रेणी का योग करके फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये फार्मूला आप लर्न करो, सीधा वहां पर वैल्यू पुट अप कर सकते हो। तो एन एन माइनस वन अपॉइंट टू हो जाएगा वहां पर, एन एन माइनस वन अपॉन टू, ओके क्लियर दैट इक्वल। अब यहां पर देखो अब इसके हम वैल्यू पुट अप करते जाते हैं, एच को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, उसका लिमिट रखेंगे अपन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एन एच इंटू ए, ये एच मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, और यहां पर देखो ये है एन एच और ये जो एच अंदर जा रहा है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एन एच माइनस एच अपॉन टू, क्लियर। बाकी यहां पर लिख के फिर मैं एक साथ आपको कंबाइन कर दूंगा। चलिए देखिए अब एन एच इक्वल टू, मैंने अभी फार्मूला में आपको बताया था एन एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए, तो वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं उसका, दैट इक्वल अब लिमिट टेंस हो रहा है तो लिमिट हट जाएगा, एन एच के जगह में हो गया बी माइनस ए, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होता है फार्मूला में, तो ये एन एच को मैंने बी माइनस ए लिखा फिर एन एच, तो प्लस ये हो जाएगा बी माइनस ए और अंदर में ये वाला जो एन एच है वह भी हो जाएगा बी माइनस ए और माइनस एच टेंस टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और अपॉन टू, ये इसका वैल्यू होगा, क्लियर दैट इक्वल। अंदर हम सॉल्व करें तो ये बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम ओवरऑल कॉमन कर सकते हैं,
इसमें से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से बचेगा a प्लस एक बी माइनस ए कॉमन हो गया, तो b माइनस ए अपॉन टू ये बचेगा, दैट इक्वल b माइनस ए को कॉमन कर लिया है, ये हो जाएगा b माइनस ए अंडर ब्रैकेट 2 एलसीएम होगा, तो 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन टू दैट इक्वल बी माइनस ए, और ये होगा देखो a प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी या b प्लस ए अपॉन टू। इसको हम लिख सकते हैं, 2 को मैं बाहर कर दूं, 1 अपॉन टू, तो b माइनस है b प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर, 1 अपॉन टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार टेली कर लें, ठीक। तो ये है हमारा लिमिट ऑफ सम का मेथड। सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनको सम करना, इनको योग करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो यहाँ से फिर आप क्या है, मेथड को सबसे पहले आप दिमाग में प्रॉपर बिठा लो। सब देखो आपको किस स्टेप पर, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत से स्टूडेंट को, मुझे मालूम है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। मैथमेटिक्स का कोई भी पोर्शन यदि आपको डिफिकल्ट लगता है, दैट मीन्स आपका दो प्रॉब्लम है, एक तो आपको फार्मूला लर्न नहीं है, और आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि आपको किसके बाद कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं तो चाहता तो आपको सीधा फंडामेंटल थ्योरम से पढ़ाना शुरू कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लिमिट ऑफ सम जानना चाहिए, एग्ज़ाम में आना नहीं आना वो अलग मैटर है, लेकिन जब तक आप इस मेथड को नहीं समझोगे तब तक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का पर्पज़ ही कंप्लीट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। चलिए मैं इसको एक बार आपको कंबाइन करके भी दिखा दूं पूरे सॉल्यूशन को। इतना तो आपको दिख जाएगा, ये क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है अलग कलर से। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब थोड़ा सा अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। वैसे मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा आप ध्यान से समझो, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सीबीएसई में आते हैं। 0 to 2 x² + 1 dx, 0 to 2 x² + 1 dx, यहाँ से आपका और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमारा जो लिमिट है a टू b ना होके एक निश्चित वैल्यू है, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 2 है। अब यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन ऑफ x क्या होगा, ये होगा x जिसका हमको इंटीग्रेशन करना हो। ये क्वेश्चन दो दो लाइन में बनेंगे जब हम फंडामेंटल थ्योरम से बनाएंगे, इतना बड़ा बना रहे हैं ना, दूसरे लाइन में इसका सॉल्यूशन है आपको पता भी होगा, लेकिन लिमिट ऑफ सम कह दे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लिमिट ऑफ सम फिर 4 या 5 मार्क्स का आएगा, तब लिमिट ऑफ सम से योग की सीमा से भी बनाने बोले तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ओके चलिए, अब हम मेथड तो आपको लर्न हो गया होगा, मेथड समझते जाओ क्या करना है। सबसे पहले अपने को हियर, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ए का वैल्यू क्या है, ये लोअर लिमिट 0, बी का वैल्यू क्या है 2, क्लियर। और यहाँ पर मैं निकाल ही रख देता हूँ किसका, एन एच का वैल्यू, एन एच इक्वल टू होता है बी माइनस ए, दैट इक्वल बी क्या है 2 - 0, दैट इक्वल 2। तो ये हमने सब यहाँ पर निकाल के रख दिया, सबका वैल्यू निकाल के रख दिया कि कौन कौन सा वैल्यू क्या है, ताकि जब जरूरत पड़ेगा सीधा उसका वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे। तो जहाँ एन एच आएगा वहाँ पर हम 2 पुटअप करेंगे अब। ओके चलिए, अब इसका वैल्यू अपन निकालते जाते हैं। देयरफॉर सबसे पहले निकालने हैं अपने को फंक्शन ऑफ ए, तो ए क्या है 0 है ये, तो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है तो फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे अपन, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, ध्यान देना ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ए इक्वल टू 0 है, हम अपने फार्मूला में निकालते हैं फंक्शन ऑफ ए, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए ही हम निकाल रहे हैं जो कि 0 है। चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर रहे हो, फंक्शन ऑफ ए दैट इज आल्सो इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 और दैट इक्वल, यहाँ पर आप क्या करोगे, अब x के जगह में 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 0 हो गया, क्लियर। इसके बाद फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 0 प्लस 2h, दैट इक्वल, अब यहाँ पर x के जगह में 0 प्लस
2h पुट करोगे, कहाँ पर, x के जगह में। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2h मतलब 2h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर और प्लस 1 तो ये रहेगा ही, क्लियर। तो ये हो गया एंड सो वन। और चाहो तो एक और लिख लो, फंक्शन ऑफ a प्लस 3h इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस 3h दैट इक्वल, इसके जगह में यदि हम 0 प्लस 3h पुट करें तो 0 तो 0 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और h का इसको हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 एंड सो वन। और आप लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा लिख दो फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1h लास्ट टर्म को, दैट इक्वल टू ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h और दैट इक्वल यहाँ x के जगह में रखेंगे n माइनस वन एच का होल स्क्वायर और प्लस 1। ओके, वैल्यू हमने पुट अप कर दिया। अब बाय लिमिट ऑफ सम ये निकालना आपको समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाय लिमिट ऑफ सम, इसलिए लिमिट ऑफ सम से। अब यदि हम लिमिट ऑफ सम को यूज़ करें तो फार्मूला एक बार लिख देते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा a टू b फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। h एक बार फार्मूला को लिखना जरूरी है ना, ध्यान रखना। तो फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, प्लस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये क्लियर। वैल्यू को पुट अप करते जाते हैं फिर। देयरफॉर लेफ्ट साइड में हम क्वेश्चन को लिख देते हैं 0 टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, फंक्शन ऑफ है जो कि फंक्शन ऑफ 0 है वो 1 हो चुका है, ठीक है। तो मैं भीरा सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, फंक्शन ऑफ ये 4h स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू को ब्रैकेट में पुट कर दो और प्लस इसको भी पुट अप कर देते हैं 9h स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमने क्या किया, ये जो लिस्ट में हम वैल्यूज निकाल के रखे हैं वो पूरे वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया, दैट इक्वल। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अंडर ब्रैकेट, हाँ अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, ठीक है 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। अब उसको बार बार मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, कितने पदों तक, n पदों तक। तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, n 1 प्लस 1 प्लस 1 n पदों तक, मतलब n हो जाएगा प्लस। अब ध्यान देना, यहाँ से हम h स्क्वायर को कॉमन कर लें, यदि h स्क्वायर को कॉमन कर लें, सब में h स्क्वायर है तो यहाँ से बचेगा 4 जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ से बचेगा 3 इसको हम लिख सकते हैं 9 तो 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो वन, यहाँ से बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्लियर। h स्क्वायर को सब में से कॉमन कर लिया है तो अंदर ये बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये, दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h n प्लस एच स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू 1 स्क्वायर भी आना था ना, कुछ वैल्यू पुट अप करना गलत कर दिया। देखो यहाँ पर देखो, शुरुआत में फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे तो हम 1 आया, ठीक। उसके बाद फंक्शन ऑफ a प्लस h नहीं निकाल पाए हैं, सीधा इसके बाद a निकाल दिए। एक और लिखना है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ a प्लस h भी तो निकालोगे भाई, उसको लिखा निकाला ही नहीं अपन। तो फंक्शन ऑफ
जीरो प्लस एच निकलेगा, और जीरो प्लस एच लिखोगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, थोड़ा पर ध्यान रखना। और फंक्शन आप ए के बाद फंक्शन आप ए प्लस टू एच लिख दिया मैं डायरेक्ट, फंक्शन आप एच प्लस एच होगा। चलिए उसको यहीं मैं सुधार देता हूँ। तभी सोच रहा था मैं वन कहाँ से गायब हो गया, ए प्लस एच तो पहले आएगा ना, ए प्लस एच यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन आप ए प्लस टू एच प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार दूँ, यहाँ पर इतने में तो आ जाएगा। देखो फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू तो वन है, इसको मैं छोटा सा यहाँ लिख दिया वन प्लस ये वाला वैल्यू एच स्क्वायर प्लस वन, एच स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस। ओके, तो यहाँ पर ये वाला एच स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर होगा वन स्क्वायर प्लस, तो सीरीज कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, सीरीज कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इसका जो वैल्यू होता है, पीछे से फिर मैं आपको बता दूँ फार्मूला का कलेक्शन ताकि आपको एप्लीकेशन समझ में आए। ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ये इसीलिए मैंने यहाँ लिस्ट में लिखवाया था आपको, ये लर्न कर लो आपको सब में, इसीलिए मैंने इसका पहले लिस्ट बना दिया, ये आप लर्न कर लो आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या है इसका सम, एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, ये सिग्मा एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन। एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स, देखो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, मतलब ये जो मैंने आपको बताया थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये वाला पोर्शन इसका सम आपको वहाँ फार्मूला से मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करना है तो पहला काम उस फार्मूला को लर्न कर लेना, और वहाँ से हमने इसका वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, एन एच, एन एच का वैल्यू टू है ध्यान रखना, ये एन एच का वैल्यू हम टू निकाल के रखे हैं, तो अपन एच को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और सबके जगह में टू पुट अप कर देते हैं। क्लियर, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको साइड में लिखने के लिए। चलिए इतने से दिखेगा ये, पेज चेंज करने के बजाय ये अच्छी फैसिलिटी है ना बोर्ड में हमारे, ताकि क्या है मैथमेटिक्स में बगल का स्टेप आपको देखना चाहिए तो आपको साइड का ढंग से समझ में आता है। अब देखो ये एच का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, अंदर जाके हो गया वो एन एच प्लस, यहाँ ध्यान दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा स्पेशल क्लियर करना, ये एच आएगा तो एच क्यूब होगा, और एच क्यूब को मैं तीन जगह बांट रहा हूँ, एक एच इस एन के लिए, एक एच इस एन के लिए, एक एच इस एन के लिए, कन्फ्यूज मत होना। तो क्या हो जाएगा एन एच, एक एन एच यहाँ हो गया, अंदर में जब ये जाएगा इसके साथ तो एन एच माइनस एच होगा, और जहाँ यहाँ अंदर में आएगा तो 2nh माइनस एच होगा और अपॉन 6। ओके, तो h स्क्वायर ऑलरेडी पहले यहाँ पर है, और ये h जब अंदर मल्टीप्लाई होगा h क्यूब होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक अंदर में मल्टीप्लाई। क्यों nh क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि nh का वैल्यू हमको पता है 2, जो हमको पुट अप करना है। दैट इक्वल लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर जो nh है वहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में हम निकाल के रखे हैं, इस एन एच को भी टू लिख सकते हैं, टू, अच्छा सॉरी, अब लिमिट को हम टेंस कर रहे हैं तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि लिमिट तो हम रख रहे हैं अब, तो लिमिट हटा देंगे। ठीक है, ये तो टू, और ये टू, इसके बाद टू माइनस ये जीरो, और टू इंटू टू माइनस जीरो अपॉन सिक्स, दैट इक्वल ये हो जाएगा टू, और प्लस यहाँ पर देखो टू इंटू टू फोर, फोर टू द एट, और एट टू जा 16 अपॉन सिक्स, दैट इक्वल, इसको सॉल्व करें तो टू थ्री जा और टू एट जा, एट अपॉन थ्री, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लिए थ्री, तो कितना हो जाएगा तीन दूनी छः, है ना, थ्री टू जा सिक्स और प्लस एट, मतलब कितना 14, ये 14 अपॉन थ्री, ये इसका आंसर होगा। क्या आंसर आता है 14 अपॉन थ्री, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसीलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट में जो वैल्यू आता है वो निश्चित आता है, डेफिनेट आता है, डेफिनेट वैल्यूज फाइंड होने के कारण ही इसका नाम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दो क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया तो लग गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके,
एक बार राइटिंग जैसे छोटी हो जाती है लेकिन एक बार वर्ड में कलेक्ट कर देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग के लिए सुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सब हमने लिस्ट किया, उसके बाद लिमिट ऑफ सम का फार्मूला लगाया, वैल्यू किया, सम किया, इसका वैल्यू को पुट अप कर दिया। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करने के ऊपर है आपके और स्टेप्स को समझने के ऊपर है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 3-4 क्वेश्चन करा दूं और मैं समझता हूं कि इसके बाद आपका इसमें अच्छा कमांड हो जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट इससे बचना चाहते हैं कि सर ये तो एग्ज़ाम में नहीं आता, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन सब बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता ऐसा नहीं है ना। CBSE में तो कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन आता है और जो स्टेट बोर्ड्स हैं, रीजनल बोर्ड्स हैं, उसमें भी कई बोर्ड में आते हैं। ठीक है, कुछ बोर्ड के में देते नहीं, डिफ़िकल्ट है, कई बार उसको बुक में भी नहीं दिया रहता, लेकिन शुरुआत यहीं से है। अब आपके ऊपर है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उसको करना चाहिए, इतना मेहनत कर अपन करना चाहिए ना। चलो एक आध क्वेश्चन और बताते हैं इस पर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन अपन बताते हैं इसमें अलग टाइम गया, तो नंबर हो गया, एलजेब्रिक फंक्शन। अब मैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बता रहा हूँ, 0 to 2 e to the power x dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, I = 0 to 2 e to the power x dx। यहाँ आपको समझ में आएगा e to the power x। देखो यहाँ पर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट मतलब आप जो 11th क्लास में जो आप लिमिट पढ़ते हैं कैलकुलस में, वो लिमिट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। 12th में भी आप बहुत जगह उसको यूज़ करते हैं, जैसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन वगैरह में किए हैं ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को फंक्शन ऑफ एक्स मेथड तो सेम रहेगा। चलो देखो, हियर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ए इज 0, बी इज 2, देयर फॉर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, दैट इक्वल 2 - 0 मीन्स 2। इतना आपको निकाल के रखना है हमेशा, ये काम सबसे पहले करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है और एन एच क्या है, सबसे पहले ये काम करना है। देयर फॉर अब हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमको सबका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फंक्शन ऑफ ए, और ये यहाँ पर 0 है तो फंक्शन ऑफ 0, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0, ई टू द पावर 0 मतलब 1, ई का घात 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, जब पीछे बार निकालना भूल गया था सीधा 2h निकाल दिया, थोड़ा ध्यान रखना। तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच हो गए, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, अब यहाँ पर आप ई टू द पावर 0 प्लस एच रखोगे तो 0 का तो मतलब नहीं है, ये हो जाएगा ई टू द पावर एच, यह हम रखते जा रहे हैं इसके जगह में। इसके बाद फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस 2h, दैट इक्वल टू ई टू द पावर 2h एंड सो ऑन। फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 बार एच इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 बार एच इक्वल टू ई टू द पावर 2 n-1 h। तो ये तो है उसका लिस्ट। हमेशा देखो सभी क्वेश्चन को मैं एक पैटर्न पर आपको समझा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम किसके बाद क्या निकालते जा रहे हैं, वो दिमाग में आपके बैठ गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका सम निकालना, और बार बार मैं उसके फार्मूला को जरूर लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देयरफॉर बाय लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम योग की सीमा से, लिमिट ऑफ सम से हम इसके फार्मूला को, फार्मूला के बाद लिख ही देना, ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच प्लस एंड सो ऑन फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। ओके, अब वैल्यू को पुट अप कर दो, देयरफॉर 0 टू 2 ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच फंक्शन ऑफ ए क्या है अपने पास, 1, दिस इज 1 प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच ई टू द पावर एच, ई टू द पावर एच प्लस ई टू द पावर 2h, ई टू द पावर 2h प्लस एंड सो ऑन ई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एच, सबको वैल्यू हमने पुट अप कर दिया, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच। अब देखो यहाँ पर
वन प्लस ई टू द पावर एच प्लस ई टू द पावर टू एच प्लस ई पावर माइनस वन इंटू एच, यहाँ पर बन रहा है जी पी। ये जो सीरीज बना है एक्चुअल में क्या है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी का सम का जो फार्मूला होता है, ठीक है। देखो पीछे मैंने फार्मूला यहाँ पर बताया है उसके लिए अलग से, ये ए आर स्क्वायर, ये ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, ये गुणोत्तर श्रेणी के बेस पर वो सॉल्व होगा। गुणोत्तर श्रेणी कैसे, वहाँ पर देखो जिसका फार्मूला ए इंटू, आपने 11th क्लास में सब पढ़ा है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसमें इसको डिवाइड करो ई टू पावर एच आएगा, इसमें डिवाइड करो ई टू द पावर एच आएगा, मतलब कॉमन रेशियो क्या है, आर जो होता है आर सार्वानुपात हिंदी में बोलते हैं, कॉमन रेशियो वो ई टू द पावर एच के इक्वल है। तो फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये फार्मूला हम गुणोत्तर श्रेणी के यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स तो क्या है, फर्स्ट टर्म्स तो पहला पद ए है, वन है ये, और आर का वैल्यू ई टू द पावर एच है, तो फार्मूला क्या है हमारा, ए, पीछे बता दिया फार्मूला ना, उसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, तो आर का वैल्यू, ठीक है, आर का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में हमारे, ई टू द पावर एच, तो आर टू द पावर एन, तो आर का वैल्यू ये है ई टू द पावर एच है, इसको डिवाइड करना है, तो आर टू द पावर एन ये ई टू द पावर एन एच माइनस वन और अपान ये हो जाएगा आर माइनस वन, तो आर का वैल्यू ई टू द पावर एच माइनस वन ऐसा होगा। ये मैंने गुणोत्तर श्रेणी का यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, क्लियर। तो ये फार्मूला लगा है, एक बार यहाँ मैं लिख दूँ क्या साइड में, ये फार्मूला लगा है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला लगा है जी पी का। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लिमिट का फार्मूला होता है ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वो उसका वैल्यू वन होता है। तो ये जो एच है इसको हम यहाँ से नीचे लिख सकते हैं, ध्यान देना, तो ई टू द पावर एन एच माइनस वन और अपान, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एच माइनस वन, क्या हो जा रहा है भाई, माइनस वन, और ये एच को हम लिख सकते हैं इसके अपान में, मतलब एक ही वन अपान एच लिखेंगे नीचे, तो ये एच हो गया। इस फॉर्म में क्यों लाए, क्योंकि फार्मूला के फॉर्म में इसको पुट किया जाए तो यही आएगा, वन आएगा। आपको लिमिट का फार्मूला पता होगा, लिखें क्या उसको भी, आप लोग फार्मूला पीछे भूल जा रहे हैं तो ये थोड़ा दिक्कत होता है, लिमिट याद है उनके लिए अच्छी बात है, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को मैं यूज़ करूँगा तो ये पूरा वन हो जाएगा। तो लिमिट को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, फिर लिमिट को पुटअप करेंगे तो दैट इक्वल ये वन होगा और एन एच का वैल्यू क्या है, टू निकाला है, तो हो जाएगा ई टू द पावर टू माइनस वन, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर आया देख लें एक बार, ई टू द पावर टू माइनस वन, क्योंकि ये जो मैं रेड इंक से राउंड किया हूँ वो क्या हो गया, वन हो गया लिमिट के फार्मूला से। तो ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ई टू द पावर एक्स के बेस पर सब क्वेश्चन को मैं सिस्टमेटिक, पहले पार्ट में सबका वैल्यू, दूसरे पार्ट में लिमिट ऑफ सम, उसके बाद सम का फार्मूला, ये इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको एल्जेब्रिक फंक्शन बता दिया मैं, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें साइन और कास इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, या तो साइन या तो कास, और दूसरा को आप बना लेंगे, और साइन और कास का सम, साइन और कास का जो सम है वो पीछे मैं आपको फार्मूला में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अभी आपको यूज करूँगा तो और पता चल जाएगा। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएगा लिमिट ऑफ सम से, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम ले लेते हैं साइन, ले लें कास, ले लें कोई सा भी ले लेते हैं, a to b साइन एक्स डी एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
सबसे इम्पॉर्टेंट, साइन और कास दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सम का फार्मूला आपको याद रखना है और बाद में लिमिट को एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। इसको मैं अपने रेटिंग के हिसाब से बताऊं, अपने हिसाब से, तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकता हूं इस लिमिट ऑफ सम का, साइन और कास दोनों। तो एक बनने से दूसरा आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं फिर, पहले तो वही काम करेंगे। हियर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, ए तो ए है, बी तो बी है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम निकाल लें फंक्शन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए, फिर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, तो हो जाएगा साइन ए प्लस एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एच, तो हो जाएगा साइन ए प्लस टू एच, एंड सो ऑन, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच इक्वल टू साइन ए प्लस एन माइनस वन एच। ओके, ये हमने सब वैल्यू को यहाँ पर निकाल दिया। अब फार्मूला लिखेंगे, देयरफॉर बाय लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम से, लिमिट ऑफ सम का हम फार्मूला लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। इस फार्मूला को लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसे दो फायदे हैं। एक तो आप बता सकोगे कि मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, दूसरा इससे आपको हेल्प मिलेगा फार्मूला को खुद पुटअप करने में। फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, नाउ पुट अप द वैल्यू, देयरफॉर ए टू बी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए इज साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस ये साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस टू एच प्लस साइन ए प्लस एन माइनस वन एच। अब इसका सम देखो कितना डिफिकल्ट है। यदि आपको इसका सम निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉपर मेथड से बोला जाए तो 10-15 स्टेप का तो इसका सम निकालना ही है, तो क्या करें, इसीलिए फार्मूला की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर मैंने ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रख के बहुत सिस्टमेटिक आपको गाइड किया है। ये देखो साइन ए, साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस टू एच, इसका मैंने फार्मूला आपको दे दिया है। तो मेरा पर्पज यही था कि लिमिट ऑफ सम को जब मैं पढ़ाऊंगा तो जितने तरह का फार्मूला का मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगा वो पूरा फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिस्ट में दे दिया है, तो ये आपको लर्न करना। देखो अभी तो मैं फार्मूला को आपको देख के बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में दोगे तो ऐसा आपके पास फार्मूला तो अवेलेबल रहेगा नहीं, तो आपको उसको लर्न करना ही है। फार्मूला के लिए मैथमेटिक्स में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जितना ज़्यादा आपको फार्मूला याद रहेगा मैथमेटिक्स में कमांड उतना ही ज़्यादा रहेगा। फार्मूला इज़ द फ्यूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसका ईंधन है, वो उसी ईंधन पर वो चलता है, ठीक है, जिसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अभी पुटअप करेंगे, साइन ए प्लस चलिए तो यहाँ पुटअप कर दें इसका वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड को तो रहने दें, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर लिमिट का बहुत एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, साइन ए प्लस ए प्लस, ठीक है, मैं फार्मूला को लिखता हूँ क्या फार्मूला होता है भाई। देखो साइन ए प्लस एन माइनस वन एच बाई टू, मुझे भी फार्मूला लर्न नहीं रहता है, साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बाई टू, स्टूडेंट को याद करना है, उनको एग्जाम देना है ना, ये साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बाई टू और इंटू साइन एच बाई टू, इंटू साइन एच बाई टू, ओके, और अपान साइन एन एच बाई टू, साइन एच बाई टू, सबके ऊपर में एक मिनट, फार्मूला कुछ गलत लिख लिया क्या यहाँ पर, यहाँ से देखता हूँ एक मिनट ना, साइन ए प्लस एन माइनस वन, साइन ए प्लस एन माइनस वन एच बाई टू
इंटू साइन एन एच बाई टू अपॉन साइन एच बाई टू। ओके, ऊपर में एन एच, नीचे में एच बाई टू, तभी सोच रहा था दोनों जगह कन्फ्यूजन। यहाँ पर एन एच रहता है और यहाँ पर केवल साइन एच बाई टू। आप अच्छे से याद कर लेना इसको ना, यहाँ कन्फ्यूजन है, ऊपर में साइन एन एच बाई टू रहेगा और नीचे में ओनली साइन एच बाई टू रहेगा। ये है हमारा फार्मूला। अब इसको हमको लिमिट एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना है, ठीक है, लिमिट एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना है हमको। देखो एन एच माइनस, उसको तो वैसे ही रहने दे, साइन एच बाई टू बी वैसे बाई टू। यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का एक फार्मूला पर आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा। ये रेड इंक से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको पता होगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन होता है। याद है ये फार्मूला आपको याद होगा। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन एच बाई टू है, यदि इसको एच बाई टू मिल जाए, जैसे थीटा अपॉन थीटा, तो एच बाई टू के नीचे एच बाई टू मिल जाए तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो मिलेगा, इस एच को हम नीचे लिख के एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं फार्मूला का लिमिट के फॉर्म में, दैट इक्वल, एक बार मैं उसको एडजस्ट करके ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये और अंडर ब्रैकेट इसको ऐसे रहने दो, साइन ए प्लस एन, इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन एच माइनस एच, एच को और अपॉन टू, ऐसा कर दिया, क्योंकि एन एच का वैल्यू भी हम बी माइनस ए रखने वाले हैं, ठीक है, और इन टू, इसको ऐसे रहने दो, साइन एन एच, जहाँ एन एच आया उसको तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एन एच तो ऑलरेडी बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और अपान में इसको हम लिख सकते हैं साइन एच बाई टू और अपान, ये वाले एच को मैं नीचे ले आया और इसमें टू मैं डिवाइड किया एच बाई टू करने के लिए, तो टू मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन अपान टू, दैट मीन्स ये वन अपान टू, टू मल्टीप्लाई टू डिवाइड किया, इतना आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर एच बाई टू है तो यहाँ भी मेरे को एच बाई टू चाहिए, तो ये जो एच है डिनोमिनेटर में आ गया और टू टू यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू को हमने एडजस्टमेंट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखना। अब आगे हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर इस स्टेप को। अब मैं लिमिट को टेंस करता हूँ, दैट इक्वल, लिमिट टेंस करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, एन एच के जगह में बी माइनस ए रखेंगे, साइन तो साइन रहेगा, तो ये हो गया साइन अंडर ब्रैकेट ए प्लस, ये वाला ए रहेगा, ये बी माइनस ए और एच जीरो हो जाएगा, तो बी माइनस ए अपॉन टू हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए भी बी माइनस ए अपॉन टू और अपॉन में, ये तो वन हो गया फार्मूला से, ये वन हो गया और ये टू क्या जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये नीचे वाला टू, ये चूँकि वन अपॉन टू है, ये वन के अपान में है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर, दैट इक्वल, अब इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू टू एल सी एम ए, तो टू ए आएगा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा बी प्लस ए या ए प्लस बी और इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू, दैट इक्वल। आपको कुछ आपको फार्मूला याद हो रहा आ रहा होगा, सी डी फार्मूला, यहाँ पर फिर फार्मूला को मैं लिख दूँ, क्या प्रीवियस क्लास में फार्मूले यूज होते हैं तो बहुत ज्यादा, फिर देखो यहां पर मैं नीचे टू कास सी माइनस कास डी फार्मूला को मैं सीधा लिख रहा हूं, कास सी माइनस कास डी इक्वल टू होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला आपको याद होगा, सी डी फार्मूला।
कास सी माइनस कास डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर देखो ये साइन अपान 2 लिखना भूल गया हूँ, इसका अपान में 2 है, इसका 2 साइन बी प्लस ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। तो कास सी माइनस कास डी का फार्मूला है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी। तो इतने पूरे को लिख सकते हैं हम कास ए माइनस कास बी इस फार्मूला के हेल्प से, और डायरेक्ट इस लाइन में फार्मूला आ जाएगा। और कई लेंदी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको, लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कास सी माइनस कास डी का फार्मूला है। ओके, देखिए आंसर क्या आता है इसका, फाइनल आंसर कल जब मैं लिमिट ऑफ सम पढ़ाऊंगा तो इनको और आपको एक्सप्लेन करूँगा। कास ए माइनस कास बी, ओके, कास सी माइनस कास डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक, तो कास ए माइनस कास बी हो गया, ये किस फार्मूला से आप समझ गए, इस फार्मूला से। इसे आप टेली करो तो 2 का 2 साइन बी प्लस ए बाई 2, तो यहाँ पर सी का वैल्यू बी है, डी का वैल्यू ये, और साइन सी माइनस डी बाई 2, सी का वैल्यू वहाँ पर क्या है, ए है। तो कास ए माइनस कास बी, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेशन होता है। ये मैं आपको एक जगह एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ राइटिंग छोटी हो जाएगी लेकिन एक जगह आपको दिखने लगेगा ये। ओके, ये लिमिट ऑफ सम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे साइन का हुआ बिल्कुल इसी मेथड पर आप कास का कर लेना, और आपके बुक में कुछ और क्वेश्चन होंगे उनको आप लिमिट ऑफ सम से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताया जिससे आपका प्रॉपर लिमिट ऑफ सम कम्प्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पर अपने आज के क्लास को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास हम इसके फंडामेंटल थ्योरम पर आएंगे जो आपको बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वो फिर स्टार्ट होगा इसका बेसिक फंडामेंटल थ्योरम से। ये मैंने आपको बताया योग की सीमा, तो मैंने बहुत मेहनत करके आपको इसको सभी क्वेश्चन को समझाया। आप इसको प्रैक्टिस करिए, दो चार क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, तो इसमें अच्छा कमांड होगा। आप इससे भागिए मत, डिफिकल्ट है करके, लिमिट का यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।